मरेगी मार, ये आ जा टोनी बेटा ये। अबे पागल है क्या? हमारे दिल की शान है उस पे हम तैयारी हो रही है, पार्टी हो रही है। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज से मैंने डिसाइड किया है कि मैं करने वाली हूँ डेली व्लॉग्स। सो दिस इज गोइंग टू बी माय वेरी फर्स्ट व्लॉग। और मतलब अभी ये ख्याल मेरे मन में इसलिए आया क्योंकि मैंने अपने एक बहुत ही पुराने कलीग से बात करी थी जो मेरे साथ मेरे पुराने ऑफिस में थे। एंड मैंने उनके साथ शेयर किया कि मैंने जैसे एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है एंड ऐसे ऐसे है एंड उस पर अभी जस्ट बनाना शुरू किया है, तो सब्सक्राइबर्स वगैरह की बात चल रही थी। तो मैंने बताया उन्हें एंड ही टोल्ड मी कि क्यों ना हम अपने मतलब जो डेली लाइफ है उसी के बारे में हम बताना चाहें, तो हम बता सकते क्यों नहीं बता सकते। बिकॉज कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जैसे कि जब आप अपना अकाउंट प्राइवेट रखते हो तो मतलब आप फेक अकाउंट बनाएंगे, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है वो फेक अकाउंट बन के जानने की कोशिश करेंगे कि अच्छा इसने क्या पोस्ट किया, इसने कौन सी वीडियो पोस्ट की, ये कहाँ गई एंड ये वो ऐसे 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 करके। लेकिन जब आप उसे पब्लिक कर देते हो तो मे बी शायद वो इतने इंटरेस्टेड नहीं रहते और शायद वो आपको सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि हाँ भाई मतलब सब्सक्राइब करने से तो इसका चैनल और प्रमोट होगा, तो मैं क्यों सब्सक्राइब करूँ, तो मैं नहीं करना है तो मत करो। लेकिन फिर उन्होंने मुझे ये समझाया कि भले ही वो सब्सक्राइब ना करें लेकिन हर एक चैनल की एक ऑडियंस होती है, उसका एक कंटेंट होता है अपना, तो आपको अपनी ऑडियंस बनानी पड़ती है। एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, क्योंकि मैंने वैसे भी मतलब ये सोचा था कि कुछ मुझे ऐसा करना चाहिए जिससे मतलब मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्ट हो पाऊँ, सो वाई नॉट मेक डेली व्लॉग्स। तो क्या होता है कि मेरी एक्चुअली जिस मतलब मैं आई एम वर्किंग लाइक मैं एक नाइट शिफ्ट में काम कर रही हूँ और यूएस बेस्ड कंपनी है, सो मेरी नाइट शिफ्ट होती है और मैं दोपहर में उठती हूँ, तो मेरी लाइफ दोपहर में स्टार्ट होती है। एंड दैट वाज द मेजर रीज़न कि मेरे पास काफ़ी कम टाइम होता था कि मैं वीडियो बना पाऊँ। लेकिन अब से मैंने सोचा है कि इन स्पाइट ऑफ दिस फैक्ट कि मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत कंटेंट होगा ऑन डेली बेसिस, तो मैं वो ट्राई करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करना। एंड आज का दिन अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, एक्चुअली शाम हो चुकी है, तो मेरे ख्याल से अराउंड 6 बज रहे होंगे इस टाइम पे। तो अब देखते हैं कि क्या करेंगे हम नेक्स्ट, क्योंकि मैंने एक वीडियो तो बना ली अपनी और काफ़ी मज़ा आया मुझे वो वीडियो बना के, मैंने खुद देखी तो मुझे तो काफ़ी मज़ा आया। अब एडिटिंग वगैरह करेंगे एंड देखते हैं कि कैसी लगती है आप लोगों को। तो दो वीडियोस एक साथ शायद पोस्ट होंगी, वरना पहले मेरे ख्याल से ये वाला व्लॉग आ जाएगा और उसके बाद वो वीडियो आएगी, क्योंकि दैट नीड्स एडिटिंग एंड आई डोंट थिंक आई एडिट दीज टाइप्स ऑफ वीडियोस, मतलब ये वाले व्लॉग में एडिट करूँगी मुझे नहीं लगता, तो इसको ऐसे ही रखने वाले हैं और देखते हैं क्या होगा आगे दिन में। एक और चीज़, आज वेडनेसडे है तो मेरी मम्मा गई हैं वेडनेसडे मार्केट और वो काफ़ी सारी मतलब वो सब्जियां वगैरह वहाँ से लेके आ गए हैं, तो देखते हैं क्या क्या लेके आएंगी और मज़े आते हैं क्योंकि सरप्राइजेस अच्छे लगते हैं कभी कभी, तो देखते हैं। तो उस वाली रोड पे लगती है वेडनेसडे मार्केट जो आप देख रहे हो, मतलब ये अभी तो जैसे ये रोड खाली दिख रही होगी पर इस रोड से ही आप लेफ्ट में आगे जाओगे तो पूरी वेडनेसडे मार्केट लगी होती है एंड उस साइड लगे जैसे आप थोड़ा देख भी सकते होगे, ये थोड़ी लाइटिंग है शायद मेरा कैमरा से जस्टिफाई ना कर पाए बट हाँ, और ये काफ़ी सारी हमारी बिल्डिंग्स वगैरह। तो अभी मम्मी का इंतज़ार करेंगे और उसके बाद जाएंगे क्योंकि करना ही पड़ेगा। तो पापा क्या कर रहे हैं? हाय, क्या कर रहे हो? दृश्यम 2 अभी खत्म हो गई या चालू है? अभी मम्मी कहाँ रह गई यार, बहुत देर हो गई, कब आएंगी? मंदिर की लाइट चला देते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा मंदिर है कैसा। तो देखो कितना खूबसूरत मंदिर है, जैसे हमारे ठाकुर जी, गणेश लक्ष्मी जी
और गणेश जी की मार्बल वाली मूर्ति और शिव जी की भी मार्बल वाली मूर्ति है थोड़ी सी के ये हमारे पास मिश्री है एज भगवान जी का प्रसाद एंड काफ़ी सारे पैसे मजेदार से। और ये मेरे कृष्ण जी की मूर्ति तो यस ये है मेरा प्यारा सा मंदिर और जहाँ पे मैं ऑलमोस्ट रोज पूजा करती हूँ। मैं रोज मतलब ऐसे नहीं बोलूंगी कि हाँ क्योंकि जब मेरा मन नहीं करता तो मैं नहीं भी करती। सो दिस इज एग्जैक्टली माय मंदिर और रामायण भी है। सो मुझे काफी सारे वो आते हैं रामायण के चौपाइयाँ तो कभी मैं सुनाऊंगी बैठकर। बहुत बहुत अच्छी अच्छी चौपाइयाँ हैं जो मैंने पढ़ी हैं रामायण में। सो आई लेट यू नो बट अभी देखते हैं मम्मा क्यों नहीं आ रही हैं। के सामने वाले घर में को चलते हुए ये हेमांग भैया हैं और यहाँ पर सब कुछ एकदम दिख ही जाता है तो आंटी भी हैं यहाँ पर देखिए क्या बात करें। नमस्ते आंटी। हेलो हेलो, मैं व्लॉग कर रही हूँ व्लॉग क्या कर रहे हो? कर रही हूँ। की क्या बात है व्लॉग कर रही हूँ आप आओगे मेरे। अभी मैंने आज यार अभी तो मैं सेब बनाऊंगा ना, बढ़िया लग रहे हो पर अच्छे लग रहे हो आप। जाने की तैयारी हो रही है, कहाँ पारी हो रही है, पहाड़ी हो रही है। पारी है। अरे आंटी आज बैठने से मार्केट नहीं गए? मार्केट नहीं गए अभी? ठाकुर जी की भी तो ले लो ड्रेसेस। वाओ ये तो बहुत बढ़िया बढ़िया लग रही है, मस्त लग रही है। आज तो छुट्टी होगी ना आपकी वहां पे, छुट्टी कब की है? रिपब्लिक डे के भी होगी ना? नहीं, वो भागीरथ प्लेस बंद है ना, इस वक्त बंद नहीं हो सकता। अच्छा बाकी कर रखी है, अब जाने की तैयारी है ना। कहाँ पे शादी? फिर बनारस। अच्छा इसलिए कितने दिनों के लिए? 4 दिन। चलो ठीक है, 26, 27, 28, 29। बढ़िया जगह है बनारस, बहुत अच्छी है। पहले नान करेंगे, टीका लगाएंगे। कहाँ? देखिए कराची का लोग इसको करेंगे, बैठो ना। नहीं नहीं ठीक है, आप कराची का हुआ खा ले, दिल्ली का नहीं। आप अभी खाओ, मैंने अभी खाना खाया, मैं थोड़ी देर में खा लूँ। ये कराची का हुआ आप ले लीजिए, अच्छा लगेगा। थैंक यू। तो ये हम जाएंगे कराची का हलवा खाने। हाँ अब आप भी आओगे कल मेरे व्लॉग में। तो घंटी बज चुकी है, मम्मी आ चुकी है। आ गया आ गया आ गया। आ गई है मम्मा सामान लेकर, बहुत सारा सामान है। फ्रूट्स 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 ऑल फ्रूट्स। गेट बंद करते हैं। तो आप क्या लाइ हो? वाओ दिस इज सो क्यूट। फू है फू, छोटू फू। इसका नामकरण करना पड़ेगा ना। टोनी प्याज प्याज नहीं, एप्पल है। एप्पल धनिया नाइस। थैंक्स, जो चाहिए वो ले ले। थैंक यू, बट मेरे पास मेरा है भी ले ले। और हम देख रहे थे मर्दानी 2। तो अब हमारी शाम की चाय बन रही है और एप्पल कट रहे हैं।
ठंड में चाय पीने का मजा अलग। तो इसमें डली हुई है अदरक, चाय पत्ती और चीनी। आ गया और साथ में हम खाने वाले हैं कुछ नमकीन, शायद मिट्टी या कुछ। और नमक पर, कम नमक पर खाएंगे। और रेवड़ी भी है बट मीठी हो जाएगी वो। वो कौन सा नमकीन है? ये भी है पंजाबी तड़का, पंजाबी तड़का। मज़ेदार होता है ये सब। कहीं नहीं चलो ये मैं लेके चलती हूँ अंदर। और हम देख रहे हैं मर्दानी 2। ये बहुत बढ़िया मूवी है वैसे आज के डेट में। तो चलो चाय पियेंगे, मजा आएगा। तो आगे है हमारी चाय और साथ में है ये कटोरी, क्योंकि मैं कटोरी के बिना नहीं पीती हूँ चाय। तो निकाल लेते हैं थोड़ा सा नमकीन प्लेट में। और पीते हैं हमने शाम की गर्मा गर्म चाय। ट्रेन में उतरवा दोगे जंजीर कि मुझे जाना है अपनी ब्यूटी के पास। ब्यूटी अभी इसी बात ब्यूटी 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 कुछ नहीं कहूंगा, पानी भी नहीं पीऊंगा, कुछ नहीं करूंगा मैं। मुझे मेरी ब्यूटी के पास जाना है तो मैं कोई नहीं रहता। छोड़ तो ओह ऐसा नहीं सकता। नो नो नेवर। ब्यूटी इज ब्यूटी ब्यूटी। आई लव यू। अब इसकी मरेगी मार। ये आ जा टोनी बेटा। ये अबे पागल है क्या? चला मत तीनों मत मारो। एमिन क्या? ये मेरी जगह पे बैठा है, ये मेरी जगह है, ठीक है? दिस इज माई स्पेस। उसको बैठने का कोई हक नहीं है वहाँ पे, जो कि यहाँ पे एप्पल खा रहा है बैठ रहा है यहाँ पे ये। हाँ तो मम्मी क्या गाना बनाओगे अब रैप जब मैं फेमस हो जाऊँगा? जो स्टैंड बनाते हैं बिग बॉस, पहले बिग बॉस नहीं, पहले बिग बॉस का वो आएगा। हम हैं बिग बॉस के वासी, ना छोड़े कमी जरा सी, चाहे सर्दी हो या खांसी। बस महान है हमारे दिल की जान है, उस पे हम कुर्बान है। बिग बॉस, बिग बॉस, शेवड़ी शेवड़ी रंडे डाल, ये रंडे शेवड़ी शेवड़ी शेवड़ी। चाचा की ऐसे आग लगी थी, मेरी चाची को ऐसे ही आग लगी, मेरे चाचा के ऐसे ऊपर गया था, मेरी चाची पीछे पीछे उसके ऊपर गई। ये है मेरा रैप 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 रैप। डन 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 डन। बेटा उसके इतने फैन है ना, बहुत फैन है। मेरे चाचा के ऊपर ये हुआ था, मेरी चाची के पैर में चोंच लगी थी, मेरे ताऊ का ऐसे ऐसे हुआ था, मेरे ताऊ की पगड़ी जब उछली थी, ताऊ ने से नाची, ताऊ से उछली, ताऊ
हुआ है सही चला सेमली ओ भाई सच में क्या बनाता है भाई, पता नहीं कैसे ही लोग सुनते हैं इसको। डब्बा ढक्कन पापा फिर क्या प्लान है, कल मसाज करवानी है? करा लो भाई, सही हो जाएगा एकदम मामला। अब तुम अपना रैप बताओ, तुम कौन सा वाला रैप बनाओगे? डी रैप ये बोल रहा हूँ मैंने क्रिडिक किया, हम क्रिडिक किया उनको। अरे नहीं गाना गाना बताओ, अच्छा वाला गाना बताओ। क्या बताऊँ, कुछ भी सुना दो अच्छा सा, कोई गजल सुना दो, कोई मिसरा सुना दो। वाह 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 वाह, मिसरा मिसरा मतलब गजल का मिसरा। बितर रहा हो मिसरा सोचा दो। अब नहीं नहीं ऐसा नहीं, पहले कह रहे दाल बनाओ। सही बात है, दारू पीने के बाद ही गजल आती है, उससे पहले क्या। दूर रह कर ना करो भाई, जो फोन देख रही हो ना इससे बढ़िया अपना वो ऑर्डर कर दो, आज लास्ट दिन है सेल का, वो देख लो सामान घर का निकल जाएगी। फिर बताओ मॉल जाके करोगी या अभी करोगी? खोल के दिखाओ अपने फोन में, दिखाओ ब्यूटी। हाँ हमारे मेरे जो होता है ना, मेरी बेटी बेटी है, सब जानती है। यस अब वो बताएगी मुझसे। ना करो बात करीब आ जाओ। चलो बताओ आपको कल किसने गाना बताया था जो आपने बताई थी धुन? ननिया 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 ऐसी चलिया 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 चलिया। चलो भाई कर लेते हैं शॉपिंग, कर लेते हैं चलना। मैंने पता है मम्मी को देखा रात में, अम्मा को देखा और वो पता है नीचे गई है सोसाइटी में सिखाऊं, और क्या कहते हैं उन्हें वो नहीं बनाया क्या जो बोर्ड पड़े थे ना उनमें मेंबरशिप नहीं मिली उन्हें, तो वो बहुत गुस्सा हो गई कि तो मेरा नाम नहीं, मुझे बनना था ये वो, तो ऊपर आई है और हम उनकी कोई बुराई वाई से कर रहे हैं। आ गया ना चुपचाप ऐसे खड़ी हो जाती है सुनने लगती है, मैं उन्हें एक आंख से ऐसे देख लेती हूँ फिर मैं बात पलट देती हूँ, तो हाँ हाँ सब सुन लिया मैंने, सब सुन लिया ऐसी कुछ। फिर आगे क्या देखा मैंने, भूल अम्मा को देखा मैं, उसे बुलाऊंगी एक बार खाना खिलाऊंगी। आ जाइए वो जो अपने यहाँ खाना खाने आती थी, कौन वो आंटी नहीं आती थी जो आंटी वाली मोटी वाली, पर वो यहाँ नहीं आ पाई। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ क्योंकि अब जल्दी से मेरा टाइम होने वाला है ऑफिस का, लाइक 11 बजे मेरा ऑफिस का टाइमिंग है, तो 11 बजने में तो काफ़ी टाइम है अभी, बट मैं खाना खाऊंगी उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके एंड देन आई जस्ट लॉग इन टू माई ऑफिस, और मैं आपसे मिलती हूँ कल। तो आई ट्राई कि मैं कल सुबह का व्लॉग जल्दी स्टार्ट करूँ, जैसे ही मैं उठ जाऊँ तभी मैं स्टार्ट करूँ, और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ मुझे देखते रहिए, मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए और मुझे बहुत सारा प्यार करते रहिए जैसे कि शायद आप कर भी रहे हो जितने भी लोग कर रहे हो, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपने नहीं किया हो तो, और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें जो भी मैं डालूं। एंड या बाय, टेक केयर, लव यू।